पहले बच्चों चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री सब्जेक्ट को देखते हैं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जैसा कि पिछले अगर क्लास का बात करें तो पिछले क्लास में हम लोग पृष्ठीय रसायन चैप्टर पढ़ रहे थे और पृष्ठीय रसायन चैप्टर वो एक फिजिकल केमिस्ट्री का भाग था। तो क्लास ट्वेल्थ के लिए केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं और हम लोगों को कितना बाकी रह गया है सिलेबस का, जरा उसका हम लोग बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसे कि हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री तीन पार्ट्स में बटा हुआ है, एक का नाम है फिजिकल और एक का नाम है ऑर्गेनिक और एक का नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जैसा हम लोग समझते हैं कि फिजिकल चैप्टर जो है वो टोटल पांच चैप्टर है जिसका हिंदी होता है भौतिकी रसायन और इसका होता है मतलब कार्बनिक रसायन और इसका मतलब होता है अकार्बनिक रसायन। तो मेरा जो केमिस्ट्री है वो मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। और जैसा कि प्यारे बच्चों फिजिकल में और ऑर्गेनिक में अगर बात किया जाए तो फिजिकल में हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, हम लोग अभी स्टडी किए वो फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में स्टडी किए। और हम लोग जाने कि फिजिकल जो है टोटल पांच चैप्टर में डिवाइडेड है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव। ये पांच पार्ट्स में, पांच चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री डिवाइडेड है जिसमें पहला का नाम है ठोस अवस्था, इसको भी हम लोग पढ़े ठोस अवस्था क्या है। दूसरा चैप्टर का नाम है विलयन, इसको भी हम लोग पढ़े। फिर तीसरा है वैद्युत रसायन, इसको भी हम लोग पढ़े कि वैद्युत रसायन क्या है। फिर चौथा हम लोग रासायनिक गतिकी को पढ़े, रासायनिक गतिकी। और चौथा पांचवा भी था हम लोग का पृष्ठीय रसायन। तो प्यारे बच्चों ये जो पांच टॉपिक्स था किसमें, फिजिकल में, तो हम लोगों को पूरा का पूरा फिजिकल समाप्त हो गया। यानी कि केमिस्ट्री जो है तीन हिस्सा में पढ़ना है और तीन हिस्सा में हम लोग एक हिस्सा को खत्म कर दिए। अब हम लोग का जो आइडिया है या फिर बोले तो अब हम लोग को जो पढ़ना है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पढ़ना है, यानी कि कार्बनिक और अकार्बनिक वाला जो पार्ट्स है वो रह जाएगा। प्यारे बच्चों जरा अगर हम लोग डिस्कस कर ले सिलेबस में नंबर के साथ साथ, तो फिजिकल जो पूछा जाता है फिजिकल से टोटल 23 मार्क्स का सवाल आता है, फिजिकल से कितना बोर्ड एग्जाम में 23 मार्क्स का। अगर ऑर्गेनिक में बात किया जाए तो 28 मार्क्स का और इनऑर्गेनिक में बात किया जाए तो 19 मार्क्स का सवाल आता है और सबको आप ऐड करेंगे तो टोटल कितना होता है 70 मार्क्स। प्यारे बच्चों ये जो 70 मार्क्स का एग्जाम हुआ रिटेन हुआ और इसमें भी 30 मार्क्स का और स्कूल कॉलेज की तरफ से प्रैक्टिकल होता है तो उसमें प्लस कर लीजिए 30, तो इस तरीके से टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। यानी कि जो केमिस्ट्री का तीन पार्ट्स है यू बोले तो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जिसमें से ऑर्गेनिक कितना मार्क्स का 28 और इनऑर्गेनिक 19। तो प्यारे बच्चों यहां से अब आप आइडिया लगा लीजिए कि मेरे लिए अच्छा कौन रहेगा, इनऑर्गेनिक को पढ़ना कि ऑर्गेनिक को पढ़ना। तो मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक को पढ़ना सही रहेगा क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, यू बोले तो 28 मार्क्स का। तो चलिए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना, यानी कि यू बोले तो केमिस्ट्री का दूसरा भाग में एंटर कर चुके हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब हम लोग मेनली इसको मिटाते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या है, कितना कितना मार्क्स का क्या आएगा, उसके बारे में स्पेशल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि अब हम लोग स्टार्ट करने वाले प्यारे बच्चों जिसका नाम है कार्बनिक रसायन जिसका अंग्रेजी होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये आपके बुक में खंड 3 में पढ़ना है। खंड कितना में पढ़ना है? 3 में। प्यारे बच्चों जैसा जानते हैं आप कि हमारा जो केमिस्ट्री है वो 3 खंड में है। अगर बुक में बात किया जाए भारतीय भवन के बुक में तो वहां पे 3 भाग में है, खंड 1, खंड 2 और खंड 3। खंड 1 में जो है किताब में वो भौतिकी रसायन है और खंड 2 में है उसमें है अकार्बनिक रसायन और खंड 3 में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन के बारे में। तो हम लोग जो ये बुक का बात करें कि बुक में ये खंड 3 में मिलेगा तो खंड 3 हम लोग शुरू करने वाले हैं। अगर बात किया जाए तो खंड 3 में हम लोगों का जो टोटल चैप्टर है प्यारे बच्चों वो 8 वो है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8। देख पा रहे होंगे कि टोटल कितना है, 8 वो है। अब इस 8 का नाम जरा देख लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 है। अब पहले जो है उसका नाम है हेलो एल्केन हेलो बेंजीन, हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन, ठीक है। ये पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन। दूसरे चैप्टर का नाम है अल्कोहल फिनॉल और इथर, अल्कोहल फिनॉल और इथर, ये सेकेंड चैप्टर है यानी कि कार्बनिक रसायन में। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों कि फिजिकल में टोटल 5 चैप्टर है तो ऑर्गेनिक में टोटल कितना है, 8 चैप्टर है। तीसरा का नाम है एल्डिहाइड ऑफ कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। फिर नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर है एमीन, कार्बोक्सिलिक अम्ल एमीन। फिर है जैव अणु, जैव अणु। फिर है बहुलक। फिर दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल मिलाकर 8 चैप्टर है। पहला का नाम है हेलो एल्केन हेलो बेंजीन, दूसरा का नाम है अल्कोहल फिनॉल और इथर, तीसरा का एल्डिहाइड कीटोन, चौथा का कार्बोक्सिलिक अम्ल, पांचवा का एमीन, छठा का जैव अणु, सातवां का बहुलक और आठवां में दैनिक जीवन में रसायन। अगर कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 28 मार्क्स का सवाल आता है बोर्ड एग्जाम में। पहले हम लोग सिलेबस के बारे में सब चीज बढ़िया से जान लेंगे तब इन चैप्टर को बारी बारी से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप प्यारे बच्चों जानते हैं कि इससे जो है टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है स्पेशल, यानी कि जब आप पहला चैप्टर को पढ़ेंगे तो इससे कितना मार्क्स, 4 मार्क्स, और फिर दूसरा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इससे भी टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। देख पा रहे होंगे जब अल्कोहल फिनॉल और इथर को पढ़ेंगे तो इससे भी टोटल 4 मार्क्स। अगर आप तीसरा और चौथा चैप्टर मतलब एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर ये दोनों पढ़ेंगे तो ये दोनों से मिलाकर टोटल 6 मार्क्स का आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अप्रोक्स में लगभग में मतलब ऐसा लेके चला जा रहा है, हो सकता है इससे 5 भी आ जाए, 5 नंबर का भी, हो सकता है इससे 7 नंबर का भी सवाल दे दे, मतलब लगभग में ऐसा काउंटिंग किया जा रहा है। फिर अगर बात करें तो अगला है एमीन और इससे 4 मार्क्स का सवाल आता है अकेले, 4 मार्क्स।
फिर आता है जय बनो, तो इससे आता है प्यारे बच्चों 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स। फिर आगे है बहुलक, तो बहुलक से कुल मिलाकर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे भी, 3 मार्क्स, और इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो जो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरा हम लोग मार्क्स का बात करें तो 28 मार्क्स का क्या रहता है, पूरा ऑर्गेनिक से आता है। जरा सबको ऐड कर लीजिए, 4, 4, 8, 6, 14, 4, 18, 3, 21 और 3, 24 और 4, 28। तो इस तरह से अप्रोक्स में लगभग में ये हम लोगों को चैप्टर में कितना कितना मार्क्स का क्या आएगा ये हम लोग अभी देखें। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने काम के बाद पे आते हैं। तो हम लोग शुरू से ये स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पहला चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और फिर देखेंगे कि ये क्या होता है हेलो एल्केन, क्या होता है हेलो बेंजीन। तो चलिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर का नाम है, तो इसको छोड़ देते हैं, हेलो एल्केन हेलो बेंजीन। तो प्यारे बच्चों आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ये हेलो एल्केन ये फर्स्ट चैप्टर है किसका, तो खंड 3 का, जैसा कि जानते हैं। यानी खंड 3 कब खत्म होगा, जब हम लोग का 8 चैप्टर खत्म हो जाएगा तब। यानी कि खंड 3 क्या है, तो कार्बनिक रसायन। अब ये कार्बनिक में टोटल 8 चैप्टर है, तो पहला चैप्टर का हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि हेलो एल्केन क्या होता है, अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले समझिएगा, टॉपिक देंगे हेलो एल्केन के बारे में, हेलो एल्केन के बारे में, ये हेलो एल्केन क्या है लिखा जाए इसके नीचे एरो देकर लिखेंगे, अवर्त सारणी के हैलोजन समूह और एल्केन के यौगिक, एल्केन के यौगिक के मिलने से हेलो एल्केन का निर्माण होता है, हेलो एल्केन का निर्माण होता है। चलिए अब जरा समझते हैं कि हेलो एल्केन क्या है। प्यारे बच्चों ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको समझना है अच्छे से, और अच्छे से नोट में एक एक चीज को नोट डाउन करते चले जाना है, क्योंकि इसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि रिएक्शन। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपको रिएक्शन मिलेगा, तो रिएक्शन को समझ के और फिर आपको याद करना होगा। ठीक है, चलिए। हेलो एल्केन जो बनता है आप उसके नीचे लिखिएगा कि हेलो एल्केन कब बनता है, तो हेलो एल्केन का जो निर्माण होता है प्यारे बच्चों किसको बनने से बनता है, तो हैलोजन के बनने से और एल्केन के बनने से। यानी कि एल्केन और हैलोजन को मिलने से किसका निर्माण होता है, हेलो एल्केन का निर्माण होता है। अब जरा समझना ये होगा कि हैलोजन क्या है, ठीक है, हैलोजन क्या है, एल्केन क्या है, और जब इसको आप जोड़ेंगे तो कैसे हेलो एल्केन बन सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हैलोजन के बारे में जरा जानेंगे कि हैलोजन क्या है। तो हैलोजन को एक्चुअली हैलोजन भी बोलते हैं या फिर हैलाइड भी बोल सकते हैं, हैलोजन को हैलाइड भी बोलते हैं। और ये प्यारे बच्चों वर्ग 17 में मिलता है,
आप अगर 11th क्लास में आवर्त सारणी के बारे में पढ़े होंगे तो आप पाए होंगे कि हैलोजन या हैलाइड किसको बोला जाता है, वर्ग 17 को बोला जाता है। ठीक है, अब वर्ग 17 में कौन कौन सा तत्व है तो हम आपको 11th क्लास में पढ़ाए भी थे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अनस्टेटाइन। ये प्यारे बच्चों ये पांच जो तत्व हैं वो वर्ग 17 में आते हैं। ठीक है, तो इन्हीं पांच तत्वों को हैलोजन बोला जाता है या फिर हैलाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जहां एफ सी एल बी आर आई ए टी को बोला जाता है हैलोजन, इसको किस वर्ग में रखा गया है प्यारे बच्चों, इसको रखा गया है वर्ग 17 में। और इसी को हम लोग ट्रिक भी सिखाए थे हम 11th क्लास में, जो लोग मेरे से पढ़े होंगे वहां पे हम सिखाए थे कि फिर कल बहारें आएंगी आंटी से इसको हम लोग एक ट्रिक पे याद कर लेते हैं। और हैलोजन को प्रायः एक्स से सूचित किया जाता है, तो एक चीज और लिख लेंगे यहाँ पे उसके नीचे कि हैलोजन में, हैलोजन कहाँ पाया जाता है तो आवर्त सारणी के वर्ग 17 में। और वर्ग 17 के कौन कौन सा तत्व को हैलोजन कहा जाता है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अनस्टेटाइन। आप इसका फुल नेम भी लिख सकते हैं कि एफ मने फ्लोरीन, सी एल मने क्लोरीन, बी आर मने ब्रोमीन, आई मने आयोडीन और ए टी मने अनस्टेटाइन। ठीक है, तो इनको बोलते क्या है, हैलोजन। अब उसके नीचे ये लिख सकते हैं कि हैलोजन को कैपिटल एक्स से सूचित किया जाता है। प्यारे बच्चों कैपिटल एक्स का मतलब क्या हुआ, कैपिटल एक्स का मतलब हुआ हैलोजन। और हैलोजन का बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अनस्टेटाइन। ठीक है, यानी कि एक्स का जो वैल्यू है वो क्या क्या रख सकते हैं। अगर कहीं भी अगर आपको कार्बनिक रसायन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा एक्स मिले तो बड़ा एक्स का मतलब क्या समझना है प्यारे बच्चों, बड़ा एक्स का मतलब समझना है कि वो हैलोजन हो सकता है। और हैलोजन कितना है, टोटल 5 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अनस्टेटाइन। फिर कल बहारे आएंगी आंटी एक ट्रिक है और उस ट्रिक से हम लोग इसको याद रखते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि हैलोजन को एक्स से सूचित किया जाता है। तो आप हैलोजन के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त कर लिए, क्यों, क्योंकि हैलो एल्कोन को समझने के लिए, हैलो एल्केन को समझने के लिए आपको दोनों चीजें अच्छी तरह से आनी चाहिए, एक था हैलोजन और एक है हेल एल्केन, क्योंकि यही दोनों को मिलने से हैलो एल्केन का निर्माण होता है। तो हैलोजन के बारे में पता चल गया कि हैलोजन का मतलब कौन सी, आवर्त सारणी का वर्ग 17 का समूह, और उसको हम लोग कैपिटल एक्स से सूचित करते हैं, जिसमें पांच तत्व होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अनस्टेटाइन। यहां तक क्लियर हुआ प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं और जरा एल्केन के बारे में सीखते हैं कि ये एल्केन क्या है। ठीक है, अब ये एल्केन तभी आप समझ पाएंगे क्योंकि क्या वो क्या बात है ना प्यारे बच्चों कि जो भी चीजें हम लोग अगली क्लास में पढ़ते हैं ना तो वो पीछे वाली क्लास में का कुछ ना कुछ एप्लीकेशन जरूर यूज करना पड़ता है। अब आप समझेंगे कि डायरेक्ट हम 12वीं क्लास में आके और सब चीज सीख लें, नो पॉसिबल, इम्पॉसिबल है, क्योंकि सभी चीजें क्या होती है, लिंक होती है। बिना 10वां पढ़ ले तो 11वां समझ में नहीं आएगा, बिना 9वां पढ़ ले 10वां गायब रहेगा तुम्हारा। यानी कि जो चीजें हम लोग सीखते हैं अगली क्लास में उसका अप्लीकेशन करना पड़ता है पीछे वाली क्लास का। ठीक है, यूं बोले तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आने वाले जो एल्केन है इसको आप तब समझ में आएगा आपको जब 10वां क्लास का एक केमिस्ट्री का, साइंस में केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। अगर उसको आप समझ गए होंगे तब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये सब जो बात बता रहे हैं ये हैलोजन, ये हैलोजन हमको सिखाने का टाइम नहीं था, हैलोजन आपको 11वां में सीखने का टाइम है।
लेकिन फिर भी हम बता दिए क्योंकि बच्चों लोग इतना बिजी रह रहे हैं कि उनको याद ही नहीं पड़ता है हैलोजन आया कहां से। नामों सुना होगा तब बोलेगा कि हम नहीं सुने नहीं जानते हैं। ठीक है, तो सिचुएशन ही ऐसा है। एल्केन के बारे में तो दसवां में पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में। अगर आप अच्छा से इन चीजों को पढ़ना चाहते हैं तो दसवां क्लास के कोई सा भी प्रकाशन की किताब हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे भारतीय भवन हो, चाहे और भी तरह तरह की किताब क्यों ना हो, दसवीं क्लास की साइंस के केमिस्ट्री रसायन वाला भाग में आप हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके। हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर का नाम है। तो प्यारे बच्चों, ये एल्केन जो है ना हाइड्रोकार्बन से निकला हुआ एक पार्ट है। जैसा कि जानते हैं हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, तो हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन होता है, नाम ही है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। जब हाइड्रोजन और कार्बन को मिक्स करते हैं वो बन जाता है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन को भी तीन श्रेणियों में बांटा गया है, आप पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में, पिछली क्लास में, जैसे कि एल्केन, एल्कीन और एक होता है अल्काइन। ठीक है, तो वहीं से ये आ चुका है एल्केन। तो स्पेशल हम लोग एल्केन के बारे में सीखते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनने वाला यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन कहलाता है, यानी कि पहले बच्चों हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हम यू बोले तो हाइड्रोजन और कार्बन को मिलने से, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाया जाए तो क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन बनता है। अब ये हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट है वो तीन तरह का है, यानी कि हाइड्रोकार्बन को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हाइड्रोकार्बन एक का नाम है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब अल्केन का क्या पहचान है, तो इसका फॉर्मूला याद रखना होगा, CnH2n+2 होता है, और इसका क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n-2, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो आप हाइड्रोकार्बन का तीन पार्ट्स याद रखिएगा, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन का फॉर्मूला क्या, तो CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला क्या, CnH2n। अल्काइन का फॉर्मूला क्या, CnH2n-2। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग अल्केन के बारे में सीखेंगे, फिर अल्कीन के और अल्काइन के बारे में सीखेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो आज के क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में। धन्यवाद।